फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। तो अभी मुझे सुबह के 5:30 बजे है और यहाँ पे देखो मैं और रूही उठ के रेडी हो चुके हैं कि सुबह सुबह इतना मतलब लगता है ना, नहीं उठना ही नहीं ऐसा मन होता है क्योंकि गरबा खेलने जाते हैं ना तो लगता हूँ इतनी नींद ही इतनी सुबह सुबह आती है, नींद नहीं पूरी होती इसलिए। तो अभी रूही को जाना है स्कूल, तो रूही के लिए अभी सब रेडी कर रही हूँ, नाश्ता वगैरह सब। तो चलो आज ऐसा है, और कल गए थे खेलने के लिए तो बहुत मजा आया और सबने धमाल मचा दिया कल। तो यहाँ पे देखिए बढ़ के रेडी हो चुके हैं रोहित के लिए, और यहाँ पे रोहित के चार है जो रोटी बनाएंगे, भाखरी तो रोज बनाते ही है। देखो ड्रैगन आ गया मस्त, तो एकदम लाल चटाकेदार हो रहा है। यहाँ पे आ रही रेडी हो गई खाने के लिए। देती हूँ बेटा, देती हूँ पलोठी वालों, पहला पलोठी बस दऊ छू। चलो आलो 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 आलो। वेरी गुड मॉर्निंग, मस्त सुबह हो चुकी है, पंखी उड़ने लगे हैं और नवरात्रि की मजा आने लगी है भाई। बढ़िया नजारा होने लगा है नवरात्रि का, बहुत सारी स्टोरी आ चुकी है। तो स्टोरी में अभी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप स्टोरी कब सब लोगों की हमारे सामने रख रहे हो। बहुत सारी स्टोरी ऐसी आई है जो मुझे आप सबको बोलनी है, दिल से बोलनी है, और लोगों की इतनी तकलीफ है उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी हमें मिलने वाली। और माँ बेटे का खाना पीना दमा चकड़ी चल रहा है भाई। सुबह फ्रूट होता है आरोही। अच्छा। को चाहिए फ्रूट। बेटा पलोठी बस। वाह। खावे जरा देव बधू नाटक करशे आप जन केम करे પછી નો કરે। आरोही परेशान कर रही है, कल क्या लेके आई तुम सुबह सुबह? मूंग लेके आई होगी, मूंग पता चल गई। हाँ मेरे को अच्छा लगता है, तुम्हें पता है फण गावेला है मूंग। वाह मजा डाले है, मस्त खट्टा मीठा आपको अच्छा लगता है ना। हाँ तो चलो फिर नाश्ता कर लेते। सुबह तो भाखरी नहीं खाई तो मूंग खा रहे हैं। बहुत ही मस्त लग रही है, देखो उसका ड्रेस कोड देखो, मस्त पैंट पहना है वंदना का, जिया दीदी का टी शर्ट है और क्यूट क्यूट लग रही है। अरे शू करवानू छे अबे अबे अरे वाह, बदन सरखू करजो पहला बधू। अरे वाह हवे शू करवानू छे, हे हवे शू करवानू छे, लिपस्टिक करवानी छे, क्या करवानी छे लिपस्टिक? उसको ऐसा बहुत चोटी माथा में लहंगी क्या पहन छे, पैंट क्या पहनू छे, टी शर्ट, लिपस्टिक क्या छे लिपस्टिक, डेंगू मम्म क्या खावानू, मम्म क्या खाओ, गाल क्या छे गाल, आंख क्या छे आंख, कान क्या छे कान, बद्दी खबर पड़वा मळे छे। बद्दी भगवानी कंठ। अरे तू नखरा केम करे, नखरा केम करे, ये नखरा करे छे ये छोकरी। अरे गरबा रमवाना छे, गरबा केम पड़ी, गरबा रमवा छे तारे, गरबा रमवा छे। अरे ए चोटली तेरा बहुत ही मोटा मोटा फोड़वा। हां Yeah.
मेरा राउंड फाइनली खत्म हो गया है और अभी किंजल की बारी है। अभी किंजल सज धज के जा रही है। आज है सब ब्लैक डे है तो सब ब्लैक ही पहने वाले हैं। तो इसलिए कमेंट मत करना। हाँ मतलब आज कोड है, ब्लैक कोड है इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रही है माँ बेटी दोनों। और आज तो पार्लर में जाके आई है, हेयर स्पा किया ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही सही है। चलो भाई मजा आ गया। कभी कभी तो करवाना चाहिए ना, पूरे दिन काम ही काम थोड़ी ना करना है। चलो फिर तुम जा रही हो। ओके, ब्लैक ब्लैक पहना है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। यस, नजर ना लगे, ब्लैक पहना है इसलिए। थक गए आप? हाँ मैं तो थक गया बहुत, उछल उछल के आज खेला। हाँ अभी खेला नहीं। सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कब खेलोगे, मैंने कहा आज खेल ही लेता हूँ। मैं तो कल काम पे गई थी इसीलिए। मैं और किंजल दोनों फ्री हो चुके हैं गरबा खेल के, अभी आराम से सो जाने का मन कर रहा है क्योंकि इतना थकान लगा है कि। और किंजल को सुबह सुबह जल्दी उठना है, आरोही को भी, रुई को भी है ना, रुई को भी जल्दी रेडी करना होता है। आरोही सो गई है, सब लोग बाहर मंडल अभी संकेल के रेडी हो चुका है। और कल वापस केड़िया बेड़िया पहन के, चनिया चोली है कल भाई पहन के कल गरबा खेलेंगे। तो बस आप सबको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो खास उसके बारे में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। तब तक क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, वापस आया हूँ आपकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। जिनकी स्टोरी है उन्होंने तो इतना सहन किया अपनी लाइफ में, और आज मैं ये स्टोरी इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि माता जी का नोरता चल रहा है। और नोरता में माता जी का नाम लेकर जिस बच्ची को पूरी तरह से मार देने की कोशिश की, रियल घटना 2010 की है। शहर है राजकोट। ये घटना 2010 में जिस बेटी की शादी होती है, और उसके बाद मैं डायरेक्ट मुद्दे पे ही बात करूंगा क्योंकि वही मुद्दा आपकी लाइफ में
वापस ना दोहराए, इसलिए मैं खास चाहता हूँ कि ये बात खास सुने और शेयर भी करें कि आज भी ऐसी ननंद है और ऐसी सासू है, और उस ननंद का क्या हश्र होता है वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिस दिन डिलीवरी हुई उस हॉस्पिटल में एक बेटी का जन्म हुआ। इतना कुछ सहन किया इस कोरोना तक कि आपकी आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाएगी, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्डिंग आज भी मेरे मोबाइल में है और वो सुनकर भी मैं जो भी पॉइंट नोट आउट कर रहा था तब मुझे भी तकलीफ हो रही थी, क्यों बेटियां इतना सहन करके पड़ी रहती है। तो आइए पहला मुद्दा, डिलीवरी के टाइम जब बेटी पैदा होती है और आसपास में उनकी सासू ननदोए सबको पता चलता है कि बेटी का जन्म होता है, और हमारे समाज में जब भी बेटी का जन्म होता है तब सबके मुंह काले पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये काले पड़ने का रिवाज आखिर पहले से ही चला रहा है या फिर अभी से, ये बेटी क्यों सबको नहीं चाहिए? आखिरकार वो माँ है, ननद है, उन सबको की बहू की वहां पे बेटा ही चाहिए पहले। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उसी दिन उनकी ननद आती है और उस बेटी को गोद में उठाकर बोलती है कि माता जी आए। नवरात्रि का समय है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाथ में लेकर पहला शब्द अच्छा बोली कि माता जी आए, दूसरा शब्द उनके माँ को कि मम्मा बारी खोलो हम इसको नीचे फेंक देते। तब उसकी सासू माँ ने भी बोला कि हाँ आज नहीं तो कल इसको मार तो देना है, बहू है वो अभागण है, अभागण बोलते मतलब बहुत सारे टोन उसने दिए। और ऐसी सासू माँ आज भी है जो अपनी बहू को बहुत ज्यादा नफरत करती है। जब बेटी का जन्म होता है तब वो ननद ने उसको मार देने के लिए उसको बोला कि ऊपर से नीचे फेंक देते ताकि काम खत्म हो जाए, पहले माता जी का नाम देते है फिर वो बोलते कि ऊपर से नीचे फेंक देते और मार देते। तो आप मार देने की बात कर रहे हो और उसी ननंद की यहाँ पर भी एक बेटी है, लेकिन उनकी मम्मी को वहां पर बेटी है उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वहां पर बेटी का जन्म होता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार ननंद का क्या हुआ वो आप एंड में मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि जब घर पे बेटी और बहू को लेकर आए तब बहू ने बहुत रोते रोते मुझे जो भी बात बताई बोली है कि दर्शक भाई उस छोटी गुड़िया को मार देने की हर कोशिश की मेरी सासू माँ ने, जलता हुआ पानी होता है उसके अंदर उसके हाथ लेकर डुबोया कि मैं इसको अंदर डुबोती हूँ तो उसको कैसा फील होता है, वो डरती है कि नहीं डरती, तब उसकी मम्मी आ जाती है। हालांकि उसका हस्बैंड था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था इसलिए ज्यादातर वो इस मामले में कभी नहीं पड़ता। एक बेटी सहन कर रही है, उनके घर एक बेटी का जन्म होता है, वो दोनों सहन कर रही है और वो पति देख रहा है। हालांकि वो पति बहुत मासूम है, काफी शांत स्वभाव के लोग होते जो नहीं बोलते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोलना चाहिए, इसके ऊपर शांत नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी को तो बोलना चाहिए। तीसरा किस्सा ये हुआ कि जब वो अपने घर पे सो रही थी बेटी तब उसकी मम्मी बाहर गई थी तो ओशिका लेकर उसके ऊपर उड़ाकर उसके ऊपर रगड़ कर उसको पूरी तरह से मार देने का उसका सासू माँ का प्लान था। तो जब भी वो पूरा प्लान रेडी करती थी लेकिन एक माँ होती ना उसके दिल में आवाज आ ही जाती है, वो बोलती है दर्शक भैया मुझे पता ही चल गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं तुरंत जाके रूम में गई और रूम में देखा तो ओशिका लेकर मेरे बेटी के ऊपर रखकर दबाने का ही टाइम था, बस मैं लेट पहुंची होती तो उसको मार देते। बेटी को मार देने से क्या ये सॉल्व हो जाएगा कि ये बेटा आएगा? ये मान्यता बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती। वो बहन बोलती है कि मैं भी एक किंजल की तरह मेरा स्वभाव है, मैं ज्यादातर नहीं बोलती, बस जितना हो सकता है ज्यादा सहन करना मुझे बहुत आता है, मैं कभी सामने नहीं बोली, और आगे सामने बोली तो उसका क्या हाल हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। चौथी बार जब भी वो फ्री बैठी थी तब उसकी बेटी की उंगली लेकर बोलती है, सामने बोलती है बहू को कि बेटिया इसकी जो पांचों उंगली है ना वो काट देते ताकि ये लड़की है इसको कोई ले ना जाए, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं होगा, बटक बटक के मर जाएगी। तब वो बेटी बहुत रोई कि मेरी बेटी को मार देने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो तो क्यों ऐसा कर रहे हो? और तब उस बेटी ने उसके सामने बोला कि मेरे घर पे बेटी का जन्म हुआ है, उनसे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उसकी चार ननद थी उसके घर भी बेटिया का जन्म होता है तो खुशी खुशी वहां पे सारा गिफ्ट लेकर जाती है, सौगात लेकर जाती है, लेकिन एक बात खास मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं सुनो। वो सासू यात्रा पे गई, अब देखो ऐसी सासू माँ यात्रा पे जाती है और चार धाम की बहुत बड़ी यात्रा करके जब घर पे आती है और बहुत ज्यादा
खिलौने लेकर आती है और खिलौने लेकर उनके ननंद के जो भी बच्चे आसपास में जो भी बच्चे होते हैं उन सबके साथ शेयर करती है, खुशियां बांटती है, खुश रहती है। लेकिन उनकी बेटी थी उनको एक भी खिलौना उनको नहीं दिया। हालांकि उनको बोल रही थी बहू कि माँ जी एक दे दो, माँ जी एक दे दो, वो खुश हो जाएगी। लेकिन उसको दूर भगा के बोलती एक भी इसमें से छूना मत वरना मार डालूंगी। तो ये किस तरह का न्याय है भाई? आप एक तरफ चार धाम की यात्रा करते हो, भगवान के पास शीश नवाने जाते हो और आपके अंदर कचरा भरा है, इतना खुटल अंदर कचरा भरा है कि क्या बोलूं अभी मैं। और आप मंदिर पे जाते हो, घर पे आपकी बहू दुखी है, बहू के घर जो बेटी है उनको आप इतना अन्याय करते हो, हालांकि मार देने की हर प्रयास करते हो। तो मंदिर जाते हो भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए कि भाई भगवान मुझे सुखी करना, शांत करना, मैं चार धाम की यात्रा करूंगी तो मेरे जो भी पाप है वो टल जाएंगे। ये सब क्या, ये सारा नाटक होता है। ज्यादातर आज नाटक बहुत ज्यादा हो गया, चार धाम की गई तो मैं भी स्टेटस लगाऊंगी कि मैं भी जाके आई। लेकिन वहां पे क्या श्रद्धा से जा रहे हो, वो किसी को आई थिंक सो आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग बस वही के लिए जाते हैं, श्रद्धा से कोई नहीं जाता। वहां पे जाके सेल्फी करेंगे, फोटो खींचेंगे, इंस्टा पे चढ़ाएंगे और अपने आप को पुरवार साबित करेंगे, मैं इतना घूमती हूँ। अरे क्या घूमती हो तुम? तो ठीक है, अभी वो सासू घर आती है और सबको खिलौना देती है लेकिन उनकी बेटी को नहीं देती। तब वो बेटी और उनकी मॉम दोनों अकेले अलग रूम में गए और इतना रोए, उतना रोए कि क्या पूछे बात। फिर वो बेटी ने बोला कि मेरे लिए कुमकुम या फिर जमुना जी लोटी में, सबको, क्योंकि जमुना जी लोटी में थे वो सबके लिए लाए थे। तो बोले मेरे जमुना जी कहाँ है? तो बोले उसने बहुत ही कड़वा उसको बोला कि तेरी माँ को बोलना कि वो जमुना जी लेकर आए, तेरी माँ ने तेरी जैसी बेटी को पैदा के हमारे घर भेज दिया है कि हमारा घर भी अभी नर्क बनने लगा। उस दिन वो बेटी बहुत रोई थी और वो बेटी उस दिन जब रोई उसकी एक ननंद वो गुजर जाती है, वो ननंद गुजर जाती है। तब उस सासू माँ को रियलाइज होता है कि कितना दुख मैंने इस बेटी के ऊपर किया, उसकी बेटी के ऊपर भी इतना जुल्म किया, लेकिन आज मेरी खुद की बेटी स्वर्गवास हो गई। वो ननंद उस दुनिया से चले गए। तब उस बहू ने उनकी सासू माँ को बोला कि सासू माँ यहाँ का यहीं पे भुगतना पड़ता है, आज जितना भी आप मेरी बेटी को और मुझे जितना भी परेशान किया और दूर रख के जितना भी हमें अलग आपसे किया, उनसे कहीं ज्यादा आपकी बेटी आपसे दूर चली गई। तब वो सासू माँ बहुत रोई और वो कोरोना का टाइम चल रहा था। उस सासू माँ को धीरे 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 रियलाइज हुआ कि मेरी बेटी अब नहीं है, क्या करूंगी, क्योंकि वो बेटी सबसे ज्यादा प्यारी थी वही इस दुनिया से चली गई। और वो बेटी ने बोला कि आज की तारीख में मेरी सासू माँ मेरी बेटी में उनकी ननंद जो चली गई इस दुनिया में से, उनका चेहरा इस बेटी के अंदर देखकर उनको बहुत ज्यादा प्यार देते। लेकिन तब तक ये बेटी भी समझ चुकी, जो छोटी बेटी है वो भी समझ चुकी कि ये मुझे मारने के लिए भी ज्यादा प्रयत्न कर रही थी। तो 2010 से लेकर ये 10 साल में तकलीफ दी तो भगवान ने तुरंत उसको दुख नहीं दिया, लेकिन जब दुख दिया तो वो दुख ऐसा था कि वो सहन भी नहीं कर पाए। और आखिरकार उनको धीरे धीरे सारी बात रियलाइज हो गई कि जितना भी मैंने इसके ऊपर जुल्म किया सारा जुल्म आज मेरे हृदय में भुदक रहा। तो किसी के साथ भी ऐसा अन्याय कभी मत करना, क्योंकि आपकी कोई प्यारी चीज या फिर प्यारा व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा। किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा। भगवान आपको कहीं ना कहीं रूप में आपको खुशियां देता है, लेकिन उस खुशियां को आप कहीं ना कहीं गलत अंदाज से पेश करोगे, कहीं ना कहीं किसी लोगों को दुख दोगे, दर्द दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो भुगतना पड़ेगा, आपको भी वो दर्द सहन करना पड़ेगा। तो ये सारा मामला उस बेटी के साथ गुजरा, लेकिन आज की तारीख में वो बेटी, आज भी मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है इसके, और बेटी ने बोला कि दर्शक भाई आज मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत समय निकल गया जब मैंने सहन करते करते अपनी जिंदगी निकाल दी, और वो टाइम निकाला जब मुझे घूमना था, मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी थी, और वो जिंदगी मैंने 10 साल ऐसे ही गुजार दी, दुख में गुजार दी, और आज मैं भी खुश हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उस बेटी ने हंसते हंसते उस सासू माँ को अपना लिया। 10 साल में जिस सासू माँ ने इस बेटी और उनकी बेटी को नहीं अपनाया, वो बेटी ने उनकी सासू माँ को माँ माँ कह के वापस उनकी हृदय में स्थान दे दिया और आज भी उनका ख्याल रखते हैं। तो ऐसी बेटियां भी होती है जो आज भी अपनी मर्यादा में, नियम में रहती है और
नहीं कुछ बोलती, सहन करती जाती है, वो वक्त का इंतजार करती है कि आज नहीं तो कल मेरे घर पे खुशियों का दिन आएगा, जरूर आएगा। वो बेटी के घर वो खुशियों की पल आई और आज खुश है, बहुत ही खुश है। ये स्टोरी से आपको यही सीखना है कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान आपको आज नहीं लेकिन एक समय आएगा कि आपके पास वो सारी चीजें छीन लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी व्यक्ति से गलती होती है लेकिन गलती को मानना और सुधारना और आगे बढ़ना ये इंसानियत का पहला धर्म है। ऐसी जिंदगी जिए कि आपकी जिंदगी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। तो बस ऐसी एक सासू और बहू और ननंद की, हालांकि वो ननंद अभी इस दुनिया में नहीं है, प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि भले कैसा भी जीव हो, है तो सारे जीव हम परमात्मा के, तो सद्बुद्धि हम सबको दे। आने वाले समय में हम सब अच्छे बने, सच्चे बने और दिल से सबका अच्छा सोचे। इसका वीडियो यहीं तक का था और आगे अभी नवरात्रि खेलनी है, नवरात्रि में हम गरबा खेलेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं, वरना आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं वैसी कोई नई स्टोरी के साथ, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में किसी को भी ऐसी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो मैं नाम वगैरह कुछ नहीं बोलता, बस मैं ये सिचुएशन बताता हूँ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, पता चले कि आज भी ये समाज में हो रहा, तकलीफ से गुजर रहे लोग, तो ये वापस ना हो। आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, जय स्वामीनाथ।